तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी शोरा में। तो बच्चन पांडे मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो रिव्यू करेंगे आज बच्चन पांडे मूवी के ट्रेलर को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें कृति सेनन को दिखाया जाता है, जो एक मूवी की डायरेक्टर है और वो अपनी नई मूवी के लिए कोई टॉपिक ढूंढना चाहती है और उनको टॉपिक मिल भी गया है। वो कहती है कि हम बच्चन पांडे के ऊपर मूवी बनाएंगे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अरशद वारसी की। अरशद वारसी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं कि तुम जानती हो बच्चन पांडे कौन है? वो एक खूनी है, खूनी। अब यहाँ पर पूरी पब्लिक को पता है कि किसकी एंट्री होने वाली है। धमाकेदार एक्शन के साथ एंट्री होती है अक्षय कुमार की, मतलब बच्चन पांडे की। यहाँ पर बच्चन पांडे को खून करते हुए दिखाते हैं, बहुत सारा एक्शन करते हुए दिखाते हैं। अब बच्चन पांडे एक खूनी है, एक दरिंदा है, एक डॉन है, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चन पांडे एक तमिल मूवी जिगर ठंडा की ऑफिशियल रीमेक है। यहाँ पर अक्षय कुमार को भोजपुरी बोलते हुए दिखाया जाता है और उन्होंने सर पर गमछा बांधा है और आंख एक पत्थर की है, मतलब फुल टू विलेन वाला लुक दिया गया है और बहुत ही धमाकेदार लुक लगता है। तो आगे आते हैं ट्रेलर में। ट्रेलर में कृति सेनन अरशद वारसी कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें एक साइड रोल दे दूंगी। आजकल साइड रोल काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में देख लो, साइड रोल सर्किट कितना ज्यादा फेमस हुआ था, बिल्कुल हीरो बन गया था। इस पर अरशद वारसी मान जाते हैं और ये लोग निकल पड़ते हैं बच्चन पांडे की स्टोरी जानने के लिए। अब बच्चन पांडे की स्टोरी जानने के लिए ये लोग जाते हैं बच्चन पांडे के पंटरों के पास में, जहां पर ये मिलते हैं प्रतीक बब्बर और संजय मिश्रा से। संजय मिश्रा का नाम इसमें है बफरिया चाचा, ये हकला के बोलते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम बफरिया चाचा रख दिया जाता है। इन लोग से मिलने पर भी जब काम नहीं बनता है, लोग सोचते हैं कि अब हम सीधे मिलेंगे बच्चन पांडे से, मतलब डायरेक्ट जाके खाई में गिरने का प्लान है। तो ये सीधे जाते हैं बच्चन पांडे के पास, जहां पर बच्चन पांडे गुस्से में कृति सेनन का गला पकड़ते हैं और बोलते हैं, ज्यादा अपड़ तपड़ करी ना, यहीं गाड़ देंगे। इसके बाद शुरू होती है मूवी बनना शुरू होती है। यहाँ पर बच्चन पांडे अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं और इनको एक्टिंग सिखाने के लिए इनके गुरु आते हैं अपने पंकज त्रिपाठी जी। इसमें बहुत सारा एक्शन और कॉमेडी तो देखने को मिलने ही वाली है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर इसमें काम कर रहे हैं। अरशद वारसी, अक्षय कुमार, प्रतीक बब्बर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी, ऐसे ऐसे एक्टर काम कर रहे हैं कि एक्टिंग की कमी नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर दिखाते हैं जैकलीन को, जिनका नाम है सोफी। सोफी बच्चन पांडे की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन बच्चन पांडे ने उनको मार दिया। अब क्यों मारा, काहे मारा, ये तो आपको मूवी में पता चलेगा, ठीक है। और आगे इसमें दिखाते हैं कि बच्चन पांडे कृति सेनन और अरशद वारसी को भी मार देते हैं। तो अब ये क्यों मारते हैं, मारते भी हैं कि नहीं, कि ये सीन पहले वाला है जहां पर ये लोग बच्चन पांडे से मिलने जाते हैं, जहां पर बच्चन पांडे कृति सेनन का गला पकड़ते हैं, उस टाइम का सीन है, ये पीछे डाला गया है, ये तो मूवी देखने में ही पता चलेगा। तो देखा जाए तो मूवी यहाँ पर खत्म होती है और यहाँ पर लास्ट डायलॉग आता है, भाई नहीं हमको गॉड फादर बोलते हैं, और इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो ट्रेलर काफी ज्यादा धमाकेदार है, जितना ज्यादा धमाकेदार ट्रेलर को बनाया गया है उतने धमाकेदार मूवी निकल गया है। तो काफी ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही ज्यादा चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है, मतलब एक फुल्ली लोडेड मूवी होने वाली है, जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, गाली सब सुनने और देखने को मिलने वाला है। तो मूवी बहुत ज्यादा मजेदार बनने वाली है और भोजपुरी एक्सेंट के साथ में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे। जहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, जहाँ पर इन्होंने कॉपी करने की कोशिश तो करी है, जैसा कि इन्होंने एक ऑफिशियल रीमेक बनाया है तमिल मूवी का, तो रीमेक तो काफी तगड़ा वाला बना है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान नहीं दी, जैसे कि पोस्टर में अक्षय कुमार को एक ब्लैक कलर की धोती पहने हुए दिखाया गया है, जो एक साउथ के लुक में थोड़ा सा आ जाता है, जहाँ पर जो धोती वाला लुक है वो थोड़ा सा साउथ वाला है, क्योंकि अपने यहाँ जो धोती पहनते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, अपना यूपी बिहार में तो वो अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो यूपी बिहार का लुक लाने के लिए जो धोती पहनाया गया है वो थोड़ा सा अलग है, वो साउथ से मिलता हुआ है। तो वो एक माइनर सी गलती इसमें दिखाई पड़ती है, लेकिन मूवी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मूवी के लिए कमेंट करके बताओ, और वीडियो में मज़ा आया कि नहीं। आज अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जैसे कि ऐसा ही वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच रहा है। मिल जाते हैं आपसे बन नहीं रहा है, देखो भोजपुरी बोलना काफी टफ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक राम राम जी।